हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जरा अच्छे से बोलिए, प्रभु के लिए यीशु मसीह की, 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 हालेलुया। और समय ना गवाते हुए हम प्रभु के वचनों में चले जाए। और आज का जो ये संदेश है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज हम संदेश आपको दे रहे हैं ये सिर्फ आज की 31st नाइट के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले पूरे साल के लिए और आपकी बची कुची सारी जिंदगी के लिए आज हम परमेश्वर का वचन आपको देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 32:5, भजन संहिता 32:5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। बस प्रभु का वचन क्या कहता है, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। आगे और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मैंने कहा कि मैं अपने अपराधों को यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पहली चीज, अपने पापों को मान लेना। हमारे जीवन में हमें यह सीखना है कि अपने पापों को, अपनी गलती को मान लेना। हालेलुया। जब आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें पूछा उनके पाप के विषय में। हालेलुया। तो आदम हव्वा ने पाप करने के बाद उन्होंने दो चीज किया। कितनी चीज किया? दो चीज किया। पहला, अपने पाप को छिपाने की कोशिश की। अपने, सभी लोग सुन रहे ध्यान से, हाँ, आज सोने का दिन नहीं है, जागने का दिन है, सुनने का दिन है, सीखने का दिन है। हालेलुया हालेलुया। जब आदम हव्वा ने पाप किया, उन्होंने दो चीज किया। एक, अपने पाप को छुपाया, अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढकने की कोशिश की। हालेलुया। आज भी दुनिया में जब मनुष्य पाप करता है, गलती करता है, कोई भूल चूक करता है, तो सबसे पहला वो कोशिश करता है उसको ढक ले, उसको छिपा ले, किसी को पता ना चले कि मैंने ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसी गलती की है या मैंने ऐसी भूल चूक की है। हमेशा आदमी की एक आदत रही है, वो अपने पाप को छुपाने की, ढांकने की कोशिश करता है। हालेलुया। और दूसरा, आदम हव्वा ने क्या किया, जब उनका पाप परमेश्वर के पकड़ में आया, तब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने आदम से कहा, क्या वो फल जो मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था तूने उसे खाया? तो कहता है, हां, पर वो जिसको तूने मेरे साथ रहने को दिया, वो अपनी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि इसने मुझे बोली खाने के लिए, इसके लिए मैं खाया। और आज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, सदियों से आज तक ये चलते आया है कि जब भी लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं,
वो पहली कोशिश करते हैं उसे ढांप दे, उसे छुपा ले कि किसी को पता ना चले, मेरे पाप का किसी को पता ना चले, मेरी गलती का किसी को पता ना चले, मैंने जो मूर्खता की है उसका किसी को पता ना चले। पहली कोशिश मनुष्य करता है उसे ढकने की, उसे छिपाने की। और जब वो बात सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है, तब मनुष्य कहता है वो मैंने उसकी वजह से मैंने किया, वो उसके कारण मुझे करना पड़ा। कोई बॉस को दोष लगाता है, कोई मैडम को दोष लगाता है, कोई अपनी माँ को दोष लगाता है, कोई अपने बाप को दोष लगाता है, कोई अपने पति को दोष लगाता है, तो कोई अपनी पत्नी को दोष लगाता है, और कोई तो अपने दोस्त को, और कोई तो अपने पड़ोसी को, और कोई तो किसी और को दोष लगाता है कि ये व्यक्ति के कारण मैंने ये गलती की है। हालेलुया। कई लोग शराब पीते हैं और कोशिश करते किसी को पता ना चले, और जब पता चलता है तो कहते हैं मेरे दोस्त ने जबरदस्ती पिला दिया। हालेलुया। अगर आप ये ठान ले कि मैंने नशा नहीं करना है, मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने चोरी नहीं करना है, मैंने गाली नहीं देना है, तो किसकी क्या मजाल है कि जो आपसे वो करवाए। हालेलुया। 22 साल हो गया मुझे, आज तक किसी ने मुझसे, मेरे मुंह से गाली निकलवा के नहीं दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, गाली देना और नहीं देना, झूठ बोलना और नहीं बोलना, चोरी करना नहीं करना, घपला घोटाला करना नहीं करना, बेईमानी करना नहीं करना, व्यभिचार करना नहीं करना, नशा करना नहीं करना, ये सब आप ही के हाथ में है। किसी को दोष लगा के कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गलती की है, हमसे कोई भूल चूक हुई है, तो एक चीज आपको सीखना चाहिए। बाइबल कहती है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया, और मैंने कहा कि मैं मेरे पापों को परमेश्वर के सामने मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, अपने पाप को छुपाने और ढकने से अच्छा है उसको मिटा दिया जाए। हेलो, मैंने 4 साल टेम्पो चलाया कंपनी में, कितना 4 साल, और टेम्पो लाइन ऐसी है कि जो आरटीओ से कभी बच नहीं सकता। मुझे न जाने कितनी बार आरटीओ ने पकड़ा। हालेलुया। ये नहीं कि जानबूझ के मेरी गलती थी। आपको पता है कि आजकल आरटीओ लोग क्या करते, ट्रक टेम्पो दिखा तो जैसे शेर को बकरी दिखती है ना, वैसे वो खुश हो जाते हैं, उसको साइड में ले लेते हैं। सब कुछ ठीक रहेगा तो भी कुछ ना कुछ इधर लाल पट्टी ने लगाया, पीला पट्टी ने लगाया, नंबर प्लेट नीचे है, ऐसा रहना चाहिए, लाइट बराबर नहीं जल रही, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वो गलती निकालते हैं। और उनके साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि बहस करेगा तो उसका अलग फाइन है, और गाड़ी नहीं रुका है लेकिन निकल गया तो उसका और अलग फाइन है। हालेलुया। तो 4 साल मुझे आरटीओ लोगों ने बहुत पकड़ा, मेरा खुदा गवाह है, कभी भी मैंने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कभी भी मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी। हालेलुया। मैं हमेशा उनसे बोलता था, साहब मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ऐसा कैसे आपको छोड़ देंगे हम, हम क्या माफी कर, माफ करने के लिए इधर खड़े हैं, हम ड्यूटी पे हैं। मैंने कहा साहब या तो आप मुझे माफ कर दे और या तो मेरी पावती बना दे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और कई बार तो वो मेरा लाइसेंस मुझे दे देते थे, अब बोलते थे जा यहां से। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे लोग
मिलना मुश्किल है आपकी जिंदगी में कि 4 साल कोई टेम्पो चलाए और आरटीओ को कभी रिश्वत ना दे। हाँ, अगर मेरी गलती थी तो मैं फाइन भर के उसको मिटा देता था, रिश्वत देके गलती के ऊपर गलती नहीं करता था। अगर मुझसे सिग्नल टूटा है या मैं नो एंट्री में गलती से घुसा हूं तो मेरी वो एक गलती है, और फिर रिश्वत देके जान छुड़ाना वो मेरी दूसरी गलती है, तो मेरा पाप मिटा का। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और मैंने कहा कि मैं मेरे पापों को परमेश्वर के सामने मान लूंगा, और तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। सो पाप, गलती, मूर्खता छिपाने से, ढकने से अच्छा है परमेश्वर के सामने कबूले। हाँ, प्रभु क्षमा कर देगा, आपकी जान छूट जाएगी। हालेलुया। अगर आप कभी भी कुछ भी किसी और के विरुद्ध आप करते हैं, आपसे हो जाता है और आप पकड़ में आते हैं, आप एक नम्रता पूर्वक आप उससे बोलिए, सॉरी, मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। सो माफी मांगने से माफी मिल जाती है गुनाहों की, गलतियों की, लेकिन छुपाने से ना खुदा कभी साथ देगा, ना कोई और आपका साथ देगा। हाँ? तो अपने पाप को छिपाने की नहीं, लेकिन अपने पाप को मिटाने की कोशिश करें। कितना भी हमारे पाप को, गलती को छुपाए, वो कभी ना कभी बाहर आता है। पर अगर आपने किसी चीज को मिटा दिया है तो वो बाहर कैसे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो है वो पाप को छिपाने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन परमेश्वर मिटाने में दिलचस्पी रखता है। अब आपको क्या चाहिए, आपके हाथ में है, पाप को छिपाना या फिर उसे मिटाना। हाँ, आप अपने पाप को छिपा सकते लेकिन मिटा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर जो है आपके पाप को छिपाता नहीं है, वो सीधा मिटा देता है। ये देखकर कि इसने अपने पाप को, अपनी गलती को मेरे सामने मान लिया है। हाँ, कई बार घरों में पति गलती करता है तो पत्नी पे दोष लगाता है, पत्नियां गलती करती हैं तो पति पे दोष लगाते हैं। कई ऐसे जवान बच्चे हैं वो गलती करते हैं, अपने मां बाप के ऊपर दोष लगाते हैं, सास बहू के ऊपर, बहू सास के ऊपर। हाँ, एक सहेली अपनी दूसरी सहेली पर, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त पर, एक परिवार दूसरे परिवार पर दोष लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, अपने पाप को, अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को मान लो, इससे ये बहुत अच्छी बात है। इसमें तुम्हारा छुटकारा है, इसमें तुमको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, तुम्हारा मन तुम्हें खाएगा नहीं, और आप प्रभु के नजर में सही रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। चप्पल का कुछ टूट गया तो मोची से सिला लेना अच्छा है कि उठा के फेंक देना। हाँ, किसी के साथ रिश्ता खराब है उसे ठीक कर लो, ना कि उस व्यक्ति को आपकी जिंदगी से उठा के फेंक दो। गलतियां सबसे होती है, सबसे गलतियां होती है, सबसे भूल चुक होती है। और एक चीज आप आजमा कर देखो, जब आप अपनी गलती को मानने लगते हैं ना, उसका असर कई लोगों पे पड़ने लगता है, लेकिन जब आप छुपाते हैं ना, उसका असर और भी कई लोगों पे पड़ता है। हाँ, हालेलुया। अगर तुमने अपने पाप को छुपाया है तो और भी कोई शातिर मिलेगा जो अपने पाप को आपसे छुपाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे पापों को, हमारी गलती को हम मान ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि मानने में आपको क्षमा मिलती है, माफी मिलती है। पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। पहली चीज हमने आपको क्या सिखाई, अपने पाप को मानना कि हाँ मैंने ऐसी गलती की है, मुझसे पाप हुआ है। हालेलुया। अपने पाप को मानना एक बात है, अपने पाप का पश्चाताप करना ये दूसरी बात है। कई लोग को पूछो आपने सिगरेट पिया, आपने दारू पिया, आपने झूठ बोला ना, जब पकड़ में आते हैं बोलते हाँ मैंने किया, लेकिन सॉरी नहीं बोलते। हाँ हेलो, सॉरी नहीं बोलते। आदम ने, हव्वा ने अपने पाप का पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का चेला यहूदा, उसने अपने पाप का पश्चाताप नहीं किया। राजा साउल ने अपने पाप का पश्चाताप नहीं किया। कई बार हमारा पाप, हमारी गलती हमें मालूम पड़ती है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु आपको बताता है कि तूने गलत किया, तूने पाप किया, तूने ठीक नहीं किया। अब हमारे पापों को, गलती को जान लेना, मान लेना वो एक चीज है, उसका पश्चाताप करना ये दूसरी चीज है। सो प्रभु का वचन कहता है यदि हम हमारे पापों को मान ले, पश्चाताप कर ले, तो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। पूरी गारंटी है कि परमेश्वर माफ करता है, इसमें शक करने की कोई जरूरत नहीं। Our God is a faithful God. हाँ, वो माफ करने में इतना सच्चा है, इतना धर्मी है, इतना विश्वास योग्य है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तीसरी जो चीज है, नीति वचन 28 का 13 पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराध को, अपने पाप को, अपनी गलती को क्या करता है, छिपा रखता है, उसके कार्य कभी भी सफल नहीं होते। बहुत सारे लोगों का काम जो है ना सफल नहीं होता, जिंदगी में सफलता नहीं मिलती। बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत जान पहचान सब कुछ चलाते हैं, लेकिन काम सफल नहीं होता, क्योंकि सफल करने वाला परमेश्वर जो ऊपर बैठा है उसके आगे किसी की चलती नहीं है। कितना भी दिमाग चला लो, कितनी भी जान पहचान अपना सोर्स लगा लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, याद रखना सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। हमारा तेज दिमाग से नहीं आती, हमारे बहुत हाथ पैर मारने से, बहुत सोर्स जान पहचान वसीला लगाने से नहीं आती, सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। लिखा है जो अपने अपराध, अपने पाप को मां छुपा रखता है उसके काम सफल, उसके काम सफल नहीं होते। वो व्यक्ति कितना भी काम कर ले, कुछ भी काम कर ले, दिन भर रात भर काम कर ले, पर सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के पाप को, अपनी गलती को उसने छुपाया है। अब परमेश्वर कहता बेटा तू कुछ भी कर ले, बेटी तू कुछ भी कर ले, सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगा।
हाँ, बहुत सारे लोग आपको साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, कहेंगे डरो मत भाई साहब, आपका काम हो जाएगा, ऐसा वैसा सब दुनिया भर का बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन याद रखना, जब खुदा आपके खिलाफ है ना, जमाना आपका साथ दे तो भी कुछ फायदा नहीं है, आप खतरे में है। दुनिया तुम्हारे साथ है पर खुदा अगर आपके खिलाफ है आप खतरे में है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने अपराध को जो छुपा के रखता है उसका कोई भी काम सफल होता ही नहीं है। कई लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा ये काम हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और हम बहुत प्रार्थना करने के बावजूद भी लोग सफल नहीं होते। अब आपको हैरानी होती है कि पास्टर से प्रार्थना करवाया, चार बार करवाया, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं सफल नहीं हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि तूने तेरे अपराध को छुपा के रखा है। जिंदगी भर मुझसे दुआ करवा लो, जिंदगी भर किसी भी प्रभु के बड़े से बड़े दास से दुआ करवा लो, करवा लो, आपका काम कभी सफल नहीं होगा। और मुझसे दुआ मत करवाओ, किसी से मत करवाओ, अपने पाप को परमेश्वर के सामने बस मान लो, वो क्षमा कर देगा और तेरे सब काम को सफल कर देगा। हाँ, जिंदगी में कैसे सफल होने का, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ने का लोगों को मालूम नहीं है। लोग दिमाग चलाते, हाथ पैर मारते, जान पहचान वसीला लगाते रहते। हेलो, सफलता आपके हाथ में नहीं है, किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, आपको पता है स्कूल में पास होना फेल होना टीचर के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। अगर आप सही लिखेंगे, हाँ, हालेलुया, कहने का मतलब समझिए, टीचर चाहे तो आपको पास करे और टीचर चाहे तो आपको फेल करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा स्कूल में था, बड़ा बदमाश था। उसने पेपर देखा तो पूरा एकदम उसके होश उड़ गए, कुछ भी नहीं आ रहा था उसको। तो उसने पेज के लास्ट पेज पे लिख दिया, बुरा ना मानिए, जो हुआ घटना वो बता रहा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। लिखे और सप्लीमेंट जो था टीचर को देके निकल गया। टीचर ने पूरा पेज छान मारा, कुछ भी नहीं लिखा, लास्ट में लिखा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। अब चेकिंग के बाद में कुछ दिन के बाद बच्चों को पेपर दिया जाता है, स्कूल में दिखाया जाता है। तो टीचर ने उसके उस लड़के के लिखे हुए सेंटेंस का जवाब इस तरह से दिया, उसी के नीचे, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। और एक लड़के ने ऐसे ही किया, एग्जाम में कुछ नहीं आता तो एक शायरी लिखा टीचर को, पास करने की कुंजी चाबी, पास करने की चाबी तो तेरे पास है, अगर तू पास कर दे तो क्या बात है। ये बदमाश बच्चे ऐसा लिख रहे। फिर टीचर ने उसका जवाब इस तरह से दिया कि पढ़ाई करने की बुद्धि तेरे पास है, अगर तू पढ़ ले तो क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते। मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूं, कितना भी आप दिमाग चला लो, कितना भी हाथ पैर मारो, रात दिन मेहनत करो, कितना भी पैसा खर्चा कर दो, कितनी भी जान पहचान वसीला लगा लो, याद रखना, अगर अपने अपराध को छुपा के रखोगे तो कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक साधारण सी चीज अगर आप करते हैं कि अपने हर पाप हर गलती को अगर आप परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो परमेश्वर क्षमा भी करता है और आपको सफल भी करता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया।
दाऊद ने अपने पाप को, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने माना। परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया और उसे सफल भी किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या अच्छा है, आजादी या बर्बादी? हाँ, शांति चाहिए कि तूफान चाहिए? बहुत सारे लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती है कि लाइफ में हम कैसे सक्सेस हो जाए, कैसे सफल हो जाए। जितना देर आप अपने पाप गलती को मानने में लगाओगे, उतने ही देर लगेगी तुम्हारी सफलता को। और जिंदगी भर नहीं माने तो जिंदगी भर कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। और लिखा है, जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? पहली चीज क्या सीखा हमने? अपने पाप को, अपनी गलती को मानना। दूसरा हमने क्या सीखा? अपने पाप गलती का पश्चाताप करना। तीसरा क्या सीख रहे हम? कि अपने पाप और गलती को छोड़ देना। हाँ, माना बहुत अच्छी बात है, पश्चाताप किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीसरा जो कदम है कि अब आपने वो चीज को छोड़ देना है। हाँ, हालेलुया। जिस पाप को, जिस गलती को आपने माना है, अब आपने उसको छोड़ना भी है। बहुत सारे लोग छोड़ते नहीं है। छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आपके ऊपर दया नहीं की जाएगी। और जिसके ऊपर खुदा ना करे दया, समझो वो आदमी काम से गया। ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने उस पाप को, उस गलती को, जिसको जाना है, माना है, पश्चाताप किया है, उसको छोड़ते नहीं है। वापस फिर से जाके पिएंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, फिर से बेईमानी करेंगे, फिर से घबला घोटाला करेंगे, फिर से टोपी पिनाने काम करेंगे। नहीं करना वो चीज आपको, आपको उसको छोड़ देना, बंद कर देना है। 20-22 साल पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, विस्की, ब्रांडी पीता था, बाप को पत्थर से मारता था, लेकिन वो चीज का मैंने पश्चाताप करने के बाद मैंने छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज 20-22 साल हो गया, मेरे मुंह से कभी भी एक भी गंदी गाली, नेगेटिव वर्ड्स जो है, कभी भी किसी के लिए परमेश्वर ने निकलने नहीं दिया। 20 साल हो गया, होके गया, मैंने कभी मेरे बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। जिन पापों को, जिन गलतियों को आपने माना है और जिसका आपने पश्चाताप किया है, अब आपने उसको छोड़ना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग छोड़ते नहीं है। झूठ बोलेंगे, स्वीकार करेंगे, क्षमा मांगेंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, पिएंगे, क्षमा मांगेंगे, फिर से कुछ हफ्ते के बाद, कुछ समय के बाद वापस वही चीज स्वीकार कर लेते, वही चीज जो छोड़ा था, जो बंद किया था, वापस उसको ग्रहण कर लेते और कहते क्या है, छूटता नहीं है। क्या कहते हैं? छूटता नहीं है। बात यह नहीं है कि छूटता नहीं है, बात यह है कि आप छोड़ना नहीं चाहते। हेलो, अगर आप किसी चीज को छोड़ने के लिए अगर आप निर्णय लेते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरता है। हाँ, अगर मैं बोलूं मुझसे विस्की छूटती नहीं है, मुझसे ब्रांडी छूटती नहीं है, मुझसे सिगरेट छूटता नहीं है, मुझसे गाली देना छूटता नहीं है, बात यह नहीं है कि छूटती नहीं है, यह छूटता नहीं है, बात यह है कि छोड़ना नहीं चाहता।
हालेलुया। अगर आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते, बाइबल इस बात को बताती है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, परमेश्वर आपके सपोर्ट में है, आपके पक्ष में है। अगर आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद नशा छोड़ना नहीं चाहता, व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहता, बेईमानी करके पैसा कमाना वो छोड़ना नहीं चाहता, तो उसके लिए खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वेर इज विल देर इज वे, जहां चाह है वहां पे राह है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी गलत बात को बंद करना चाहते हैं, तो परमेश्वर फुल सपोर्ट आपको देता है। हाँ, तो कई लोग जो मुझे बोलते हैं ना, पास्टर छूटता नहीं है, ये सब झूठ है, ये बकवास है, मैं तो कहूंगा आप छोड़ना नहीं चाहते। कच्चे इरादे में दम नहीं होता। हालेलुया। किसी ने कहा इरादे बुलंद हैं तो मंजिल करीब है। हाँ, आपका इरादा पक्का होना चाहिए ना। इसलिए कुछ लोग छोड़ेंगे कुछ महीना, अरे प्रोग्राम आया, अरे पार्टी आया, अरे सब पी रहे, अभी मैं भी पी लेता हूं। हाँ, नहीं पीना चाहते तो दोस्त आके बोलता दोस्ती की कसम, तो पूरा बोतल कर लिया हजम। हाँ, लोग कसम देते हैं। मेरी जिंदगी में कितने ऐसे पार्टी प्रोग्राम सब हुआ, मुझे तो जबरदस्ती उसमें कंपनी की तरफ से लेके जाया गया। हालेलुया। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, लोगों ने नशा किया लेकिन मैंने नशा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। प्रभु अनुग्रह देता है। बाइबल कहती है वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप हर एक नशा, हर एक बुरी आदत, गंदी आदत, हर एक गलत चीज आप छोड़ सकते हैं, आप गलत लोगों की संगति छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको सामर्थ देता है। लेकिन लोग छोड़ना नहीं चाहते ना, लोग पकड़ के रखना चाहते। मेरा खुदा गवाह है, न जाने कई साल हो गए हम प्रभु में थे, फिर भी पिक्चर देखते थे, सीरियल देखते थे, कॉमेडी नाइट देखते थे, हाँ, पिक्चर गाना सुनते थे, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया देखते थे। लेकिन जब हमने फैसला लिया कि प्रभु ये चीज आपको पसंद नहीं है, आपका दृष्टि में ठीक नहीं है, प्रभु आज से बन हम नहीं देखेंगे, और तब से लेकर आज तक न जाने कितने साल हो गए, मेरा खुदा गवाह है, मैं कोई भी पिक्चर रहने दो मैं नहीं देखता, कोई सीरियल नहीं देखता, कोई कॉमेडी नाइट्स नहीं देखता, कोई सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी मैं नहीं देखता, कोई भी पिक्चर गाना मैं नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा एक सच्चा निर्णय तुम्हें बहुत सारी चीजों से छुटकारा दे सकता है। आपका निर्णय में दम होना चाहिए, आपका निर्णय जो है वो सच्चा होना चाहिए, आपका जो इरादा है ना वो पक्का होना चाहिए। हाँ, मिट्टी से इमारत नहीं बनाई जाती। हाँ, इमारत बनाने के लिए पक्का ईंट चाहिए। हाँ, हेलो, गलती पिघलती मिट्टी से बिल्डिंग नहीं बनाती, बिल्डिंग नहीं बनती, उसके लिए ईंट चाहिए। हाँ, उसके लिए रेती चाहिए, उसके लिए सीमेंट चाहिए। कई लोग का निर्णय जो है ना उसमें दम नहीं है,
कच्चा पक्का निर्णय रहता है, इसलिए एक हफ्ता 10 दिन तक वो सोचते हैं मेरा छूट गया, सबको बोलते अभी मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने छोड़ दिया, अभी मैं नहीं पीता। एक महीने का ऐसा झटका आता है ना, अरे त्योहार है रे, अरे प्रोग्राम है, सब पी रहे, अभी किधर गया तुम्हारा? मिट्टी वाला इरादा, मिट्टी वाला निर्णय कुछ काम का नहीं है। निर्णय जो है ईंट के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। और जब मैंने वो निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं आज से कोई भी पिक्चर, कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर गाना, कोई भी कॉमेडी नाइट्स मैं नहीं देखूंगा, मेरा खुदा गवाह है, तब से लेकर आज तक बंद तो बंद। हेलो, हालेलुया। मैं तो कोई पिक्चर का ट्रेलर तक भी नहीं देखता, कई लोग पिक्चर नहीं देखते, पिक्चर का ट्रेलर देखते, कहते पास्टर हम पिक्चर नहीं देखते, पिक्चर का ट्रेलर देखते, हम पूरी बोतल नहीं पीते, खाली एक ढक्कन घूंट पीते। हाँ, इतना सा भी ड्रग्स ले लेगा ना तो भी 12 के भाव अंदर जाए, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरी खाएगा। तो हेलो, परमेश्वर में आना आसान है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है, पर आसान है उनके लिए जिनके इरादे पक्के हैं। प्रभु में कठिन कुछ भी नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। हालेलुया, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पवित्रता के बिना कदापि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है तो भूल जाओ, आप कभी भी परमेश्वर को ना देख पाओगे, ना परमेश्वर से मिल पाओगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर उसके देखने में पवित्र है, परमेश्वर उसके सोचने में पवित्र है, परमेश्वर उसके बोलने में पवित्र है, परमेश्वर उसके रहने में पवित्र है, परमेश्वर उसके कामों में पवित्र है, परमेश्वर हर तरह से पवित्र है। आज कई लोगों की आंखों में अशुद्धता है, कई लोगों के ओट अशुद्ध है, कई लोगों की नीयत ठीक नहीं रहती, कई लोगों का दिल ठीक नहीं है, कई लोग की चाल ठीक नहीं है, कई लोगों का काम सही नहीं है। आपको पवित्र बनना है हर एक तरह से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 4 साल एक कंपनी में काम किया, एक ऐसी कंपनी में जहां पे चोरी की भरमार थी, छुरी चोरी होती थी, चम्मच चोरी होती थी, दूध का पैकेट चोरी होता था, कैंची चोरी होती थी, कटर चोरी होता था, मार्कर चोरी होता था, वहां के सब ज्वेलरी जो थे वो चोरी होते थे, बहुत सारी चीजें वहां पे चोरों की भरमार थी। और मुझे एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे मौके मिले, पर मेरा खुदा गवाह है, एक एक पानी का बूंद के जैसा भी चीज मैंने कभी भी चोरी नहीं की। हालेलुया। पैसा दिया, कोई चीज पसंद आई ना, पैसा दिया खरीद के लिया, लेकिन चोरी नहीं की। मुझे ये पता था सब चोरी करते थे, बिल में घपला घपला घोटाला करते थे। टेम्पो जब वो चलाते थे तो 300 का पेट्रोल भरा के 500 का बिल लेके आते थे, और मुझे बोलते थे अरे तू भी करने का। मैंने कहा जिस थाली में खाना खाते हैं ना उसमें थूकते नहीं है। हाँ, हेलो। दिखने में हम दुनिया के लोगों के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन साथ में रहो कुछ कुछ महीने, कुछ हफ्ते मेरे साथ में रहो, तब तुमको मेरी जिंदगी का पता चलेगा। कई लोग तो अभी जैसे मैं आपको खूबसूरत दिख रहा हूं ना, कई लोग उनके रहन सहन में सकल सूरत में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी चाल बहुत बुरी होती है, उनकी रात की जिंदगी बहुत बेकार होती है।
हेलो, सिखाना बड़ी बात नहीं है, वैसे जीकर दिखाना बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे ऐसे बाजार में देखोगे तो लगेगा, अरे ये कौन सा शरीफ है, ये भी तो झूठ बोलता होगा, ये भी तो चोरी करता होगा, ये भी तो गाली देता होगा, दोनों दुनिया में कौन शरीफ है। लेकिन सारे डॉक्टरों की खबर सिर्फ डॉक्टरों पे रहती है, वकीलों की खबर वकीलों को रहती है, पवित्र जीने वालों की जिंदगी का पता पवित्र जीने वालों को रहती है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हमारी जिंदगी हम ऐसे जीते हैं। हाँ, आप लोग जो इतनी दूर से आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, आप लोग जो हर संडे आते हैं सुबह शाम सुनने के लिए, अगर आप मुझे कभी किसी लड़की के साथ बाइक पे घूमते हुए देख लो, अगर आप मुझे कहीं पे चिलम भूखते हुए या कहीं बियर बार में अगर आप मुझे देख ले, आप आओगे क्या प्रवचन सुनने को? हाँ, हेलो, आप कहोगे क्या सुनने का उसका प्रवचन? वो तो खुद ही नशा करता है, वो तो खुद ही लड़की लेके घूमते रहता है, वो तो खुद ही बीड़ी भूखते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अच्छा सिखाना बड़ी बात नहीं है, अच्छा जीकर दिखाना बड़ी बात है। और हम जो बोलते हैं हम वो करते हैं। चाहे रात दिन आप मेरी जिंदगी को चेक करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोबाइल कोई भी लेके चेक करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर कैसे कई लोग होते हैं, अगर उनके मोबाइल को उनकी माँ हाथ लगा दे, उनका बाप हाथ लगा दे, उनका भाई हाथ लगा दे, इतना झगड़े पे उतारू हो जाते। ऐसा क्या है मोबाइल में आपके, इतना डर क्यों लगता है? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी है वैसे मेरा मोबाइल है। हाँ, अगर सबसे ज्यादा सीक्रेट अगर रहेगा तो पास्टर के फोन में रहता है। और मैं तो नहीं डरता, मैं तो मेरा फोन कभी भी किसको भी दे देता, पासवर्ड भी दे देता। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक एक लोगों का जो वैल्यू है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो कैरेक्टर है, वो जानने की जरूरत नहीं है। उनका मोबाइल का सारा डेटा बता देता है वो किस औकात का है, किस लेवल का है, उसकी मेंटलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका लाइफ का स्टेटस क्या है। आज लोगों का मोबाइल है ना, एक व्यक्ति का सारा पोल खोल देता है। हेलो, हाँ। इसलिए कई लोग उनके मोबाइल में हर एक जगह लॉक लगा के रखते हैं, हर एक जगह, गैलरी में लॉक, इसमें लॉक, उसमें लॉक, क्योंकि उनकी लाइफ ही लॉक हो गई है। वो छुटकारा नहीं पाने वालों में से नहीं है, वो सच्चा पवित्र सही जीने वालों में से नहीं है। हाँ, आज जो लोगों की जिंदगी में कचरा है ना, उसका असर उनके मोबाइल में है। इसलिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं ये व्यक्ति कैसा है, उसका मोबाइल बताता है। वो मोबाइल कहता है कि मुझे लेके चेक कर लो, मैं बताता हूं आपको मैडम ये क्या चीज है। हाँ, मोबाइल ही आपका मीडिया है, वह ये बता देता है कि कौन व्यक्ति किस तरह की जिंदगी जी रहा है। हाँ, हालेलुया। खुदा को धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को टोपी नहीं पहना सकते। हाँ, भलाई इसी में है, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानिए, पश्चाताप कीजिए, उसे छोड़ दे, तुम पे दया की जाएगी, तुम पे दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ऊपर परमेश्वर ने दया किया, मैंने मेरे जीवन के हर पाप को प्रभु के सामने मान लिया, मैंने पश्चाताप किया, मैंने उनको छोड़ भी दिया, मुझ पे दया की गई। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और चीज है, नीति वचन 8:13, नीति वचन 8:13।
यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ, बुराई जो है, पाप जो है, उससे आपको क्या करना है, क्या करना है, हर प्रकार की बुराई से आपको क्या करना चाहिए, बैर रखना चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कई लोग क्यों पाप में गिरते, क्योंकि वो पाप के करीब जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर सच में कोई, अगर आपका दुश्मन बैरी है, उसके कभी करीब नहीं जाते, उसको दूर से देख के निकल लेते लोग, क्योंकि वो आपका बैरी है, दुश्मन है, आपका पट्टा नहीं है, इसलिए। हालेलुया। शैतान जो है वो हमारा बहुत बड़ा बैरी दुश्मन है, और जो पाप है वो हमारा एक बहुत बड़ा बैरी और दुश्मन है। हालेलुया। So, जितने भी तरह के पाप है, बुराई है, गलत बातें हैं, हमको उससे बैर रखना चाहिए। हाँ, हेलो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, पाप से बैर रखने को सीखो। हाँ, जब आपको गलत पोस्टर दिखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, कोई गलत किस्म का कपड़ा पहना है, आपको उस पाप से, उस गंदगी से, उस शराब की बोतल से, उस व्यभिचार से, उस झूठ से, उस बेईमानी की कमाई से आपको बैर रखने के लिए सीखना है। हाँ, मैं 3,500, जब मेरी शादी हुई ना, मेरी पगार 3,500 थी। मैं 2-2 रुपए के लिए, मेरा बाद में जॉब छूट गया, मैं 2-2 रुपए के लिए मैंने कई बार रोड पे जाके ना झांका है कि मिल जाए तो सेंग खा लो, पैसे के लिए रोया हूं। 2-2 रुपए के लिए मेरी बच्ची को दूध लाने को पैसा नहीं, लेकिन मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की, घपला घोटाला नहीं किया, गलत करके पैसे नहीं कमाए। 7 साल झाड़ू मारा, टॉयलेट साफ किया, कचरा उठाया, बीबी को कभी काम पे नहीं भेजा, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, लेकिन कभी भी हराम की कमाई नहीं खाया। आज परमेश्वर ने ये मुकाम पे ले आया है। हाँ, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी पवित्रता कभी मरती नहीं है, कभी हारती नहीं है, वो जिंदी रहती है। परमेश्वर देखता है और फिर देता है। आज कई लोग को परमेश्वर देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन जब उनकी लाइफ को वो देखता है तो फिर वो प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति ठीक रहता है, प्रभु उसको बुद्धि देता है, परमेश्वर उसको आनंद देता है, परमेश्वर उसको सब कुछ देता है। जो व्यक्ति का जीवन खुदा को भाता है, खुदा उसे कोई अच्छी वस्तु कभी नहीं छिपाता। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया को चूना लगा सकते हैं, दुनिया दुनिया से छुप छुपा के रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए मैं चाहे बस में रहूं, ट्रेन में रहूं, मेट्रो में रहूं, मैं मॉल में रहूं, या मेरी एरिया में रहूं, या मैं कहीं और कहीं मैं रहूं, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया। कई बार लोगों ने गलती से पैसे ज्यादा दिए, मैंने लौटा दिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। एक बार अगर आप पवित्रता का जीवन जीने लगेंगे ना, तो इतना मजा आता है ना, इतना आनंद आता है ना, आप उसको बयान नहीं कर सकते। सिर्फ उस चीज को छोड़ने तक दर्द तकलीफ होता है, एक बार अगर आपने उसे छोड़ दिया ना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई लोग छुटकारा इसलिए नहीं पाते, वो खुद छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं, प्रभु प्रभु आप छुड़ा दो,
मेरी माँ मुझे कहती थी मैं तेरे यीशु को मान लूंगी, उसको बोल मेरा तमाकू छुड़ाने के लिए। मैंने कहा माँ लगी शर्त, मेरा यीशु तेरी तमाकू छुड़ा देगा। पर उसने क्या कहा मालूम है? लेकिन सुन मैं खाती रहूंगी। हाँ, अगर आप पत्थर नहीं हटाओगे तो यीशु लाजर को नहीं जिलाएगा। अगर आप घड़ों में पानी नहीं भरोगे तो कभी वो दाखरस नहीं बनाएगा। अगर मूसा समुंदर पे लाठी नहीं मारता तो परमेश्वर दो भाग नहीं करता। हमेशा तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे परमेश्वर कभी कुछ नहीं करेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सो पाप और बुराई से क्या करना है? दूर रहना है। मैं और एक आपको न्यू ईयर में आपको क्या करना है, नए साल में आपको क्या करना है, मैं आपका और 5-10 मिनट लूंगा। हालेलुया। लूका 2:36-38 बस दो वचन है पढ़िए। ये नए साल में या नए साल से आपको करना क्या है? आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ति थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाती थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। बस ध्यान से सुनिए, ये विधवा का दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ये विधवा का गम और ये विधवा का दम। हाँ, दो चीज आपको बताऊंगा। इस विधवा का गम क्या था और इस विधवा के अंदर कितना दम था। यीशु मसीह की जय। अरे जोर से बोलो, सब लोग बोल नहीं रहे, कूपन घूम गया क्या? आसान काम दिया हूं, बैठे बैठे आप प्रभु की महिमा नहीं कर सकते क्या? हाँ, अभी हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन जब बॉक्स लेने करेगा बराबर हाथ आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको देखेगा। भोजन के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन मेरे वचन के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। हाँ, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। सुनिए, इस विधवा का गम क्या था? पति के साथ, सुनिए, पति के साथ सिर्फ 7 साल रह पाई थी। उसका जो विवाहित जीवन था, मैरिज लाइफ, सिर्फ 7 साल का था। कितना? सिर्फ 7 साल पति के साथ रह पाई थी। और ये एक शादीशुदा जो औरत होती है उसको पता है कि अगर शादी के बाद 7 साल में अगर पति गुजर जाता है, उसको पता है कि आगे की जिंदगी और पति का गुजरने का जो गम है वो क्या होता है। हाँ, जो 50-60 साल 40 साल भी जी लेते हैं वो बोलते हैं चलो जाने दो, एक दिन तो वैसे भी उसको टपकना था तो मर गया तो कोई बात नहीं। तकलीफ तब होती है कि नया नया शादी होती है और कुछ साल के बाद अगर पति गुजर जाए, हाँ, तो बहुत दुख होता है। हालेलुया। ये औरतें समझ सकती हैं जो अपने पतियों को जल्दी खो देती हैं, ये गम उन्हें पता है। ये औरत जो है उसका वो 7 साल सिर्फ उसका विवाहित जीवन जी, उसके बाद उसका पति चले गया। दूसरा उसका गम क्या था? वो विधवा हो गई थी। तीसरा उसका गम क्या था? उसको कोई बच्चे भी नहीं थे। चौथा गम क्या था? लोगों ने उसको नाम रखा ये अभागन है। क्या है? क्या है? अभागन है। इसको पति का सुख नहीं मिला, इसको औलाद नहीं है, ये अभागन है। और सास ससुर ने क्या नाम रखा होगा? हाँ, हमारे बेटे को खा गई चुड़ैले। ये उसका गम था, ये उसका
ये उसका दूसरा, वो जानती थी कि मैं एक प्रॉफिट हूं फिर भी मेरा लॉस हो गया है, मैं एक भविष्य दक्षिण हूं फिर भी मेरा नुकसान हो गया है। क्योंकि भविष्यवक्ता जो होते हैं उनके द्वारा लोगों का प्रॉफिट होता है, लोगों का फायदा होता है, लोगों की उन्नति होती है, लेकिन उसका खुद का ही लॉस हो गया कि उसने अपने पति को खो दिया। ये सब उसका गम था। हालेलुया, बाजू वाले को बोलो ये सब उस विधवा का गम था। सब लोग बोलो क्या मालूम क्या ऐसा। हाँ, ये फेविकॉल जरा खत्म करो। ये सब विधवा का क्या था? गम था। अब देखिए उसके अंदर कितना दम था। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर के मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, पति मर गया, बच्चे नहीं है, सास ससुर भी मुझे चिढ़ा रहे, जमाना भी मेरा नाम रख रहा है, लेकिन बड़ी जिद्दी औरत थी वो। परमेश्वर के प्रार्थना में, परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के मंदिर में जाना नहीं छोड़ती थी। ये नहीं लिखा है कि गम के मारे कभी जाती तो कभी नहीं जाती। कई लोग के घर में मैयत होती ना, तीन तीन महीना आते नहीं, कुछ तो आते ही नहीं, बोलता अभी क्या जानेगा मेरी मां मर गई, जैसे कि उनकी मां कभी मरेगी नहीं। हाँ, हेलो। तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनके घर में अगर किसी की डेथ हो जाए, वो भी समय के पहले, समय के पहले अगर किसी के घर में डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो व्यक्ति को चोट लगती है, वो कई महीने आता नहीं है। और कुछ लोग तो आते ही नहीं, कहते हैं उधर जाके क्या फायदा, मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बीवी मर गई, थोड़ा दिन रुक जा तू भी मरेगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। मौत किसको नहीं आती, कितना भी खा लो, बॉडी बना लो, कितना भी चांद पे घूम के आओ, मौत हर किसी को आती है। हाँ, सो कोई मर गया बोल के आपने परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ना, चंगाई नहीं मिली बोल के, आपका कोई काम नहीं हुआ बोल के परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी जिद्दी औरत थी, बड़ा दम वाली थी वो। पति मर गया, बच्चे नहीं है, सास ससुर ने मुझे गलत नाम दिया है, जमाना मुझे अभागा बोलता है, बहुत दुखी औरत थी, लेकिन बड़ी जिद्दी थी, बड़ा दम रखती थी। परमेश्वर के मंदिर को मैं क्यों छोड़ू, मेरा पति मुझे छोड़ के गया है, पर मैं परमेश्वर के मंदिर को कैसे छोड़ू। हाँ, बच्चा नहीं है तो क्या हो गया, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं प्रभु के मंदिर में जाऊंगी। हाँ, हालेलुया। मेरा ये वाला पति मरा है, पर मेरा परमेश्वर मेरा सच्चा पति है। हालेलुया, हालेलुया। और वह लगातार कंटिन्यू, वह लगातार उपवास और प्रार्थना किया करती थी। कई लोग के घर में जब थोड़ी सी कुछ घटना घटती है ना, वो लोग उपवास भी तोड़ देते और प्रार्थना करना भी बंद कर देते। बोलते क्या उपवास पकड़ने का पास्टर, अभी क्या प्रार्थना करने का। हाँ, हेलो, क्या हम उपवास करते, प्रार्थना करते, उसके पीछे हमारा कोई लालच है क्या, या इसलिए करते कि हम प्रभु को प्यार करते, हमने परमेश्वर के लिए जीने का फैसला लिया है। मेरी 3.5 महीने की बेटी मर गई, मेरा सगा भाई मर गया, और ऐसे मर गए जैसा मैंने कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की थी, पर मैंने उपवास करना बंद नहीं किया, मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मैंने परमेश्वर के मंदिर में आना बंद नहीं किया। हेलो, आज परमेश्वर ने मुझे 2 अच्छे बच्चे दिए। हाँ, इधर वो बजा रहा था ना, वो मेरा बेटा है, और इधर जो वो ब्लैक कपड़े में थी, यूके लंदन वाली मेरी बेटी है। हाँ, परमेश्वर आपकी वफादारी को कभी भूलता नहीं है। तुम जो सच्चाई पे चले हो, तुम जो उसके लिए खड़े रहे हो, परमेश्वर भूलता नहीं है।
उसको याद रखता है और उसका प्रतिफल जमा करके देता है। हाँ हेलो, तुम्हारे उपवास को परमेश्वर भूलता नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर भूलता नहीं, जो तुमने प्रभु के लिए भेंट अर्पण दिया है परमेश्वर भूलता नहीं, जो तुम हर संडे आए उसकी आराधना की है, आपको क्या लगता है परमेश्वर भूलता है? जमाना भूलता है, खुदा कभी नहीं भूलता, इसीलिए वो खुदा है। हाँ, खुदा की पहचान क्या है पता है? वो कभी पाप नहीं करता। खुदा की पहचान क्या है पता है? वो कभी नशा नहीं करता। खुदा की पहचान क्या है? वो कभी गलती नहीं करता, वो भूल चूक नहीं करता, वो मूर्खता के जैसे काम नहीं करता। परमेश्वर कभी भी मारपीट नहीं करता, कभी भी धनुष बाण तलवार नहीं चलाता परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का चरित्र बताता है कि वो जिंदा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये विधवा का दम जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं। वह रात दिन डे एंड नाइट, कभी कभार नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, रात दिन। बाइबल में एकदम साफ लिखा है रात दिन, मतलब डेली। वो उसका लाइफ ऐसा था कि वो प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी और परमेश्वर की सेवा करती थी दिल से। हाँ, आज बहुत सारे लोग का फास्टिंग कहां गया, उनका प्रेयर कहां गया मालूम नहीं। जब तक सब कुछ अच्छा था, खूब उपवास कर रहे थे, खूब प्रार्थना कर रहे थे, कुछ घटना घटी, मन के मुताबिक नहीं हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ कहीं जमीन चाहिए थी, कोई किसी को घर बनाना था, किसी को गाड़ी लेना था, सब उल्टा पुल्टा हो गया, खेती में बाढ़ आ गई, अभी बंद कर दिया, प्रार्थना बंद कर दिया, उपवास करना बंद कर दिया, परमेश्वर के मंदिर में आना बंद कर दिया। अगर अंगूर जब तक मिलते हैं तो लोमड़ी भी आती है झाड़ के नीचे, फिर उसमें और हमें क्या फर्क है? हाँ, मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें खुद को लुटा दिया जाता है, ये नहीं कि किसी को लूट लिया जाता है। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मोहब्बत वो है जिसमें दिया जाता है, लेने के चक्कर में नहीं रहते। हाँ, हेलो, वह प्रभु का धन्यवाद करती थी, मतलब वो एक ऐसी स्त्री थी हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती थी, स्तुति करती थी, कभी भी कुड़कुड़ नहीं करती थी, सवाल नहीं करती थी, शिकायत नहीं करती थी, प्रभु से नाराज नहीं होती थी, हमेशा धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या दम था उसके अंदर। हाँ, हालेलुया। और वह प्रभु का प्रचार करती थी। बहुत सारे लोग प्रभु का प्रचार करने का बंद कर देते, बोलते मेरा ही अच्छा नहीं होगा, क्या प्रचार करने का, प्रचार तुम्हारा अच्छा हो गया बोल के प्रचार मत करो, वो अच्छा है बोल के प्रचार करो। ओ हाँ, सामरी स्त्री इसलिए नहीं प्रचार कर रही थी कि वो व्यभिचार कर रही थी, वो जानती थी मैं व्यभिचारी हूं, मैंने 5 पति कर चुकी हूं, पर वो प्रचार इसलिए कर रही थी कि मैं तो पापी हूं पर वो पवित्र है, मैं तो झूठी हूं पर वो तो सच्चा है, हाँ मैं तो लायक नहीं पर ये तो योग्य है। सो प्रभु का प्रचार इस बेस पे मत करो, मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा सब अच्छा हो गया, अब मैं खूब प्रचार करूंगा। प्रचार इसलिए करो कि वो अच्छा है। बाइबल कहती है उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं प्रभु मुझसे प्यार करता है तो मेरे बेटे को क्यों ले लिया, बेटे को ले लिया जाने दो, शुक्र मनाओ तुमको जिंदा छोड़ दिया, कहीं ज्यादा मुंह खोलने से फिर आपका नंबर ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। सबोक देशक 11:1, अपनी रोटी जल पर डाल दे, कुछ समय के बाद तू उसे फिर से पाएगा। हालेलुया, आपको अपना जो जीवन है प्रभु के वचनों पर चलने के लिए आपको दे देना है। और यिर्मयाह 33:3,
आखिरी वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये आखिरी वचन परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे साथ समय बिता और समय बिता और प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और करते रहे और करते रहे और करते रहे, मैं तुझे बड़ी बड़ी, कैसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहुत सारी बातें जो तुमको समझ में नहीं आ रही ना, मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे मेरे भविष्य में क्या होगा, आपको समझ में आता है नहीं आता? आपको लगातार प्रार्थना में बैठना है, आपको बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है। प्रार्थना में परमेश्वर सारी बातें समझाता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरे घर वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे सोचोगे समझोगे बाबू कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ परमेश्वर की जितनी है कि वो हर व्यक्ति को समझा सकता है। हालेलुया। पर लोगों की समझ तो उन्हें खुद को ही नहीं समझा पाती है, दूसरे को हम क्या समझाएंगे फिर। तो प्रार्थना में आपको बैठना चाहिए, प्रार्थना में लगातार आना चाहिए, वचनों को सुनना चाहिए, सारे जो घटनाएं सारी बातें जो हुई आपके जीवन में प्रभु सब समझाएगा, सब आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन आप प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, वचन नहीं सुनोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, आप परमेश्वर के मंदिर में आओगे नहीं, आप घर पे बैठ जाओगे, रोते बैठोगे, कैसे आपको समझ में आएगा। मेरे भी जीवन में बहुत कुछ हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे सब कुछ समझाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। सभी लोग आप खड़े हो सकते हैं। खत्म नहीं हुआ है प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना जो है इस समय हम लोग करेंगे। कृपया करके शांति बनाए रखें, आपका ध्यान यहां भटकने ना दे। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को उठा ले। सभी लोग कृपया करके अपने दोनों हाथों को उठा ले, प्रभु के सामने नम्र बन जाए। अपने हाथों को उठा ले, अपने सिरों को झुका ले, अपनी आंखें बंद कर ले। और जो जो मैं प्रार्थना करूंगा आप मेरे पीछे वो बोलिएगा। प्रभु यीशु, आज तक, अभी तक मैंने जानबूझ के और अनजाने में जो भी पाप किया, बुराई की और उसे छुपाया और उसके लिए दूसरों पे दोष लगाया, मैंने जो मेरे पापों को नहीं माना, आज मैं हर तरह से पश्चाताप करता हूं, क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे, आपके लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु आज मैं मेरे जीवन को पूरी तरह से आपको सौंप देता हूं। प्रभु यीशु आज से मैं पूरी तरह से आपके लिए जीऊंगा, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे काम धंधे में, मेरे खेती बाड़ी में, कभी भी कुछ भी घटना क्यों ना घटे, पर मैं आपके मंदिर में आऊंगा, मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपके वचनों को पढ़ूंगा, सुनूंगा और दूसरों को भी
सुनाऊंगा। मैं हमेशा आपको धन्यवाद और स्तुति दूंगा। जो बातें आज तक मुझे समझ में नहीं आई, उन्हें समझने के लिए, उन बड़ी बड़ी बातों को, उन कठिन कठिन बातों को जिन्हें मैं आज नहीं जानता, मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा और तू प्रकट करेगा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु यीशु, आज तक इंसानों में जितने भी लोगों ने मुझे दुख दिया, मुझे चोट पहुंचाया, मेरा नुकसान किया, मेरी बुराई की, मेरा फायदा उठाया, उन सबको मैं दिल से क्षमा करता, उन्हें आशीष देता, उन्हें मेरे दिल में से, मेरे मन में से आजाद करता, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अगर कोई भी तरह का श्राप, बदुआएं, गालियां, कोसना, कोई जादू टोना का शक्ति, कोई बुरे सपनों का प्रभाव, कोई शारीरिक प्रार्थनाओं का असर, दुष्ट शैतान का कोई वैदिक अधिकार और सामर्थ और गढ़ और बंधन यदि मेरे जीवन पर है, वो सब मैं पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम, और मैं अपने आप को आजाद करता, आशीषित करता। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता, आमेन। हालेलुया। नए साल में आप कौन सी चीजें करोगे? नंबर एक, कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, फैमिली में, बिजनेस में, परमेश्वर के प्रार्थना में आना बंद नहीं करना। दूसरी चीज, आप उपवास करते हैं उसको बंद नहीं करना, आप जो प्रार्थना करते हैं उसको बंद नहीं करना, प्रभु का जो धन्यवाद स्तुति करते हैं उसको बंद नहीं करना, वचनों को पढ़ना, सुनना और प्रचार करना कभी बंद नहीं करना। हाँ, भले कितना भी क्यों ना हो गम, पर दिखाना है अब आपको अपना दम। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।